हां जी सुनाओ क्या सूरत हाल है। देखो ना बाबा रामदेव और फखर जमर 110 पार्टनरशिप हो गया, इंडिया का वाट लगा रहा है, आज हम जीतेंगे। लो बोले इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। क्यों ले? राइट, प्रोग्राम के आगाज में हम आपको एक एक करके मौका दे देते हैं कि आप सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कर दें। उसके बाद हम इंडिविजुअल लेवल पर मुख्तलिफ प्लेयर्स को भी डिस्कस करेंगे कि कितने कंप्लेसेंट नजर आए बाबर आजम जिस गेंद पर आउट हुए, जो शॉट फखर जमान खेल के आउट हुए, हम उसको डिस्कस करेंगे। बट यूसुफ भाई, आप किस तरह देख रहे हैं आज पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस को? कहीं ना कहीं अगर हम रियलिस्टिकली स्पीकिंग बात करें तो ये आसार हमें नजर आ रहे थे कि आप किस पर कितना डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। दो पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इतने बड़े प्लेयर इंजामुल हक, इतने बड़े प्लेयर हैं, मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने मलिक को कैसे सिलेक्ट कर लिया और अजहर अली को कैसे रिटायरमेंट होने दी, ये मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी चीज क्या है कि ये इस कौम की वजह से ये हालत हमारी हुई है, क्योंकि हमने जो हीरो बनाए अपने, वो साल में एक या दो बार खेलते हैं, आंखें बंद करके खेलते हैं, वो हमारे हीरो हैं। आज अभी जो फखर जमान जो बैटिंग कर रहा है पिछले दो ढाई साल से, हमारी कौम बहुत पसंद कर रही है, क्योंकि वो छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं। जो प्रॉपर क्रिकेट है उसको हमारी कौम या तो समझना नहीं चाहती या पसंद नहीं करती। और उधर दूसरी साइड पे देखें, जितने भी दूसरी कंट्रीज हैं वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे बैट्समैनों को मौका दे रहे हैं, और हमारे यहाँ क्या है, जो आँख बंद करके खेलेगा वो हीरो हो जाएगा। तो हमें इससे निकलना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कंट्री के लिए अपनी पसंद नापसंद को छोड़ना पड़ेगा मुल्क की खातिर। तो मेरे ख्याल है कि ये दो चीज़ें जो है हमारी क्रिकेट को ख़राब कर रही है। कि मैं तो पहले भी कहता था कि बड़े प्लेयर आने चाहिए, लेकिन ये जो मलिक की सिलेक्शन है इसने तो मुझे हिला दिया है। सिर्फ एक मलिक की सिलेक्शन ही नहीं यूसुफ भाई, इस टीम में काफी सारे नाम ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन पर आप सवालिया निशान रख सकते हैं। तो अगेन हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी नजर में और कौन कौन से प्लेयर हैं।